जब आपने किसी से ऑब्सेस्ड फील किया, गहरी सांस लेंगे, बाहर सांस अंदर, बाहर अंदर, बाहर। अब अपना ध्यान पैरों के नाखून पे, एड़ी पे, घुटनों पे, हिप्स पे, लोअर बैक पे, स्टमक पे, थ्रोट पे, फॉरहेड पे, टॉप ऑफ द हेड पे, डिवाइन की वाइट लाइट सर, आँखों, गले, छाती, पेट, पैरों से होती हुई ज़मीन पे जा रही है। वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर की है लाइव, पैरों से होती हुई हार्ट सेंटर पे आ रही है। अब इसने पूरे रूम को कवर कर लिया है, पूरे घर को। पूरी कंट्री को, पूरी अर्थ को कवर कर लिया है। अब पूरे यूनिवर्स को कवर कर लिया है और अब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ गए हैं। मैं इस हीलिंग का चार्ज अब डिवाइन को दे रही हूँ। हम ऐसे मोमेंट पे जाएंगे जहाँ पे किसी ने हमसे ऑब्सेस्ड फील किया था। इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन हो सकता है। जहाँ भी ये फीलिंग्स फील हो रही हैं, जिस भी चक्रा पे, वहाँ पे वाइट लाइट डालेंगे। और इस फीलिंग को लेट गो कर देंगे। ऑब्सेशन, अटैचमेंट, इन लोगों के पास अगर कुछ सोल फ्रैगमेंट्स हैं तो वापस ले लेंगे। और इनकी जो भी कॉर्ड्स है वो भी वापस ले लेंगे, अपनी अपनी कॉर्ड्स ले लेंगे। ये जो भी हीलिंग हो रही है और टाइम, स्पेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज पे हो रही है। अब हम आगे दूसरे फेज में जाएंगे जब हमने खुद से ऑब्सेस्ड फील किया। जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उनको व्हाइट लाइट में सेंड कर देंगे। अब हम तीसरी स्टेज पे चलेंगे जहाँ पे हमने किसी से ऑब्सेस्ड फील किया। इसमें पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई एडिक्शन भी हो सकता है,
जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको वाइट लाइट में भेज देंगे। अगर कुछ लोग सामने आए हैं या कुछ इंसिडेंसेस सामने आए हैं तो वहाँ से अपने सोल फ्रैगमेंट्स को अपने पास ले लेंगे। अपनी अपनी कॉर्ड्स को ले लेंगे। ये जो हीलिंग हो रही है ऑल टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटी पे हो रही है। अब मैं थैंक यू बोलूंगी डिवाइन को जिन्होंने हमारा साथ दिया इस हीलिंग में। धीरे धीरे हाथों और पैरों को हिलाएंगे। आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1